लोकेंद्र सिंह कलवी का जन्म मध्य राजस्थान के नागौर जिले के कलवी गांव में हुआ था। कलवी की पढ़ाई अजमेर में पूर्व राज परिवारों के पसंदीदा स्कूल मेयो कॉलेज में हुई थी। उनकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अच्छी पकड़ थी। इन सब के साथ ही वो बास्केटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे। उनके पिता कल्याण सिंह कलवी थे, जो थोड़े थोड़े वक्त के लिए राज्य और केंद्र में मंत्री रहे। वे खुद को किसान नेता कहते थे, लेकिन 67 साल के बाद भी उन्हें राजनीति में वो सफलता नहीं मिल पाई जिसे वो पाना चाहते थे। हर बार वे कोशिश करते और असफल हो जाते। साल 1993 में उन्होंने नागौर से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा था, लेकिन हार गए थे। इसके बाद 1998 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने बाड़मेर जैसलमेर सीट से भाजपा के टिकट पर भाग्य आजमाया, लेकिन फिर से शिकस्त का सामना किया। उस वक्त वो जाति की राजनीति नहीं करते थे। सबसे ज्यादा सुर्खियां उन्होंने बॉलीवुड की मूवी पद्मावत का विरोध करते हुए बटोरी थी, जब उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को धमकी दे दी थी।